बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों मित्रों, मैं हूं अरशद यासीन और आप देख रहे हैं रेडार। सज्जनों मित्रों, हकीकी आज़ादी मार्च का शोर कहते हैं, मैदान सज गए, काफले चल पड़े। वो कल रात से ही रावलपिंडी में लोगों का जोशो खरोश दीदनी है। खैमा बस्तियां सज गई, वो लोग रात को ही वहां ठहर गए। पीटीआई के लोग कहते हैं 40,000 अफराद के रात के ठहरने का इंतज़ाम था। अब वो 40,000 थे, 10 थे, 5 थे, कितने थे कितने नहीं थे, ये मेरा मौजू नहीं है। बताना मैं ये चाहता हूँ कि हकीकी मार्च की रवां दवा है, लोगों का जोश खरोश है, रास्तों में लोग आ जा रहे हैं। अब सारे मामलों में अहम बात क्या है, वो ये है कि आज इमरान खान सरप्राइज़ क्या देने जा रहा है। ये सरप्राइज़ इस्लामाबाद दाखले का होगा, या इलेक्शन की तारीख मिलेगी, या फिर एक बार फिर मोहलत दी जाएगी। क्या होगा सरप्राइज़, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। और उसके साथ साथ सज्जनों मित्रों, हुकूमत का मिल बैठने का मशवरा भी आ गया है कि मिल बैठ के मामला तय कर लेते हैं। ये किसने कहा और क्यों कहा, इस हवाले से भी बात करते हैं। और आज सबसे अहम बात यही है कि अगर इलेक्शन की तारीख नहीं मिलती तो फिर हिकमत अमली क्या हो सकती है। और इसके साथ साथ ये भी आज मैं आपके सामने रखता हूँ कि परेड ग्राउंड में हेलीकॉप्टर के उतरने को मुतनाज़ा क्यों बनाया गया और किसने बनाया, ये भी आपके सामने रखता हूँ। अब सिचुएशन क्या है, और सबसे अहम बात सज्जनों मित्रों कि इस आज़ादी मार्च को कामयाब कहें, नाकाम कहें, क्या कहें, बहरहाल दोनों तरफ से इस हवाले से इंतज़ामात और तैयारियाँ मुकम्मल हैं। इंतज़ामिया ने भी तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं और वफाकी हुकूमत और उनके साथ जो ज़िली इंतज़ामिया हैं, उन्होंने खंदकें खोदने के हवाले से, कंटेनर लगाने के हवाले से कह लीजिए, बाकी मामला आंसू गैस लाठी चार्ज ये वो, रेंजर्स तैयार, पुलिस तैयार, हर रास्ते को आने जाने बंद, और ये सारे मामला इंतज़ामिया ने इंतज़ाम कर रखा है। और साथ साथ वफाकी वज़रा की धमकियाँ भी मौजूद हैं, अगर ख़िलाफ़ वर्जी की गई तो फिर ज़ाहिर है मामला ख़राब होंगे। और सज्जनों मित्रों, ज़िली इंतज़ामिया ने 56 नुकात पर एक शरायत भी पेश की है जीएन को, तहरीक इंसाफ वालों को, कि जनाब इस पर अमल दरामद होगा तो ठीक वरना कानून हरकत में आएगा। और कहते हैं कि पीटीआई वालों ने भी इंतज़ाम अपने मुकम्मल कर रखे हैं, काफ़िले तो रात से ही पहुंचना शुरू हो गए, और स्टेज लगाने के हवाले से भी 2-3 बार तब्दीली करनी पड़ी। अब फैज़ाबाद से रहमानपुरा, रहमानपुरा से अब आगे जा कर के फ्लाई ओवर के ऊपर कहते हैं जी ये स्टेज बनाया गया है और उसमें आज इमरान खान लिफ्ट के साथ ऊपर जाएंगे और कौम से ख़िताब करेंगे। सज्जनों मित्रों, होने क्या जा रहा है, हुकूमत के इरादे क्या हैं, पीटीआई क्या करने जा रही है, और खसूसी तौर पे जिस तरह मैंने कहा इमरान का सरप्राइज़ क्या हो सकता है, इस सारे मामलात को जानने के लिए परेड ग्राउंड का मामला हम मैं आपके सामने रखता हूँ। हुकूमत और ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से ये पीटीआई को ये कहा गया कि परेड ग्राउंड क्योंकि जीएचक्यू के ज़ेरे इस्तेमाल है और वहाँ की ओर हम इजाज़त नहीं दे सकते, आप जीएचक्यू से रब्ता करें। पीटीआई ने वहाँ रब्ता किया तो जीएचक्यू ने साफ साफ बता दिया हमें इस पे कोई एतराज़ नहीं है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये हुकूमत की मर्ज़ी है वो क्या करती है क्या नहीं करती, हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। इससे ये तनाज़ा जो हुकूमत की तरफ से खड़ा किया गया था कि एस्टेब्लिशमेंट पसंद नहीं करती कि यहाँ पर किसी का जहाज़ उतरे ना उतरे, खसूसी तौर पे इमरान खान को इजाज़त नहीं है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ये एक तासर देने की कोशिश की गई थी, लेकिन जीएचक्यू ने इस साजिश को, इस तासर को ये कहकर ख़त्म कर दिया कि हमें तो इतराज़ कोई नहीं है। लेकिन फिर हुआ क्या,
ज़िली इंतज़ामिया ने अब तक, जब मैं व्लॉग करने जा रहा हूँ, अब तक उस ग्राउंड को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी और जहाज़ के हेलीकॉप्टर के उतरने से मना कर दिया गया है। सजनों तो मित्रों, एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ राणा सनाउल्लाह ने, जो वज़ीर दाखला है, उन्होंने रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि इमरान खान को जान का ख़तरा है और उन्होंने मशवरा दिया कि लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दें। अब सजनों तो मित्रों, वज़ीर दाखला का ये काम कब से है कि वो लोगों को डराएं धमकाएं? वज़ीर दाखला का काम तो इंतजाम करना होता है, सिक्योरिटी के मामलों को दुरुस्त करना होता है, डराना धमकाना नहीं है। यही वजह है कि फिर फवाद चौधरी ने एक जवाब दिया कि अनाउंसमेंट बंद की जाए, अपने इंतजाम किए जाए, राणा सनाउल्लाह को मशवरा दिया। और फिर सवाल तो ये बनता है कि अगर वाकई उसको थ्रेट है तो फिर हुकूमत का काम तो इंतजाम करना होता है, डराना तो नहीं होता। और फिर इमरान खान को डराना, जिसने ये सोच रखा है कि ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, या मुझे मरना ही है तो जहाँ मेरी लिखी हुई है तो ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, जिसको खौफ ही नहीं है, मौत का कोई खौफ नहीं है उसको, उसको डराया नहीं जा सकता। यही वजह कि आज ज़ख्मी हालत में वो वहाँ पर आ रहा है। लेकिन ये एक अलग मामला है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि हुकूमत की पूरी कोशिश है कि किसी ना किसी तरह ये लॉन्ग मार्च टल जाए, लोग खौफज़दा हो जाएँ, लोग इकट्ठे ही ना हों। और यही वजह है कि इंतज़ाम भी इस अंदाज से किए गए लोगों को खौफज़दा करने के हवाले से। अब होगा क्या? अब ये होगा, एक तरफ कामयाबी के दावे होंगे, एक तरफ से नाकामी के दावे होंगे, एक तरफ से ये होगा कि लाखों अफराद इकट्ठे हुए, एक तरफ से ये होगा कि सैकड़ों अफराद भी नज़र नहीं आए ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया तो नहीं दिखा रहा, एक आध चैनल है जो दिखा रहा है, बाकी तो सब इंटरनेशनल मीडिया और जो सोशल मीडिया है वो भरा भरा है इस हवाले से, काफलों के रवानगी के हवाले से, वहाँ हो क्या रहा है, एक एक लम्हे की रिपोर्ट हर पाकिस्तानी भी देख रहा है, इसके बावजूद कि पाकिस्तान के मीडिया मालकान को मैनेज कर लिया गया है, कुछ नहीं दिखाया जा रहा। लेकिन अब तो सोशल मीडिया का अखबारात को चंद इश्तहार देकर रोकने वाला मामला ख़त्म हो गया, मीडिया मालकान को ख़रीदने और उनको अखबारात और इश्तहार दे करके मुंह बंद रखने का मामला अब पुरानी बातें हो गई हैं, अब सोशल मीडिया में नाम है, हर चीज़ नज़र आ जाती है। सज्जनों के मित्रों, अब लॉन्ग मार्च, हकीकी मार्च, क्या सरप्राइज़, जिस तरह मैंने कहा सरप्राइज़ क्या हो सकता है, अब सरप्राइज़ ये भी हो सकता है कि तारीख अभी तक नहीं मिलती तो फिर इस्लामाबाद की तरफ भी जाया जा सकता है, धरना भी दिया जा सकता है, और ये भी हो सकता है क्योंकि अभी 24 घंटों पहले ही मुल्क के अंदर बहुत अहम तकरारियाँ हुई हैं, इस हवाले से ये भी कहा जा सकता है, मज़ीद मोहलत भी दी जा सकती है कि मज़ीद टाइम दिया जाता है कि इलेक्शन की तारीख, अब इलेक्शन की तारीख का ही मसला नहीं है, अब बात शफाफ इलेक्शन तक चली गई है कि इंतबात चाहिए लेकिन शफाफ चाहिए। अब इमरान तो ये कहता है, हुकूमत के लोग अंदर बैठे जो हैं, हुकूमत के अंदर जो बैठे हैं वो कहते हैं जी ये तो मुकर्रा मुद्दत के आम तो मज़ीद 6 महीने, मज़ीद मौजूदा हालात को देखते हुए ये मज़ीद तोसी भी कर सकते हैं। यहाँ तो भाई नाजम कोई बन जाए वो छोड़ने को तैयार नहीं होता, और फिर हुकूमतें बन जाए, हुकूमत में शामिल हो, और हुकूमत भी ऐसी कि जिस पर अरबों करबों रुपये के जो है करप्शन के मुकदमात भी हों, गिरफ्तारियों का ख़तरा भी हो, और एनआरओ लेकर के बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो साफ भी कर ली गई हों। और गुज़श्ता रात ही, कल की बात है सज्जनों मित्रों, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमज़ा शहबाज आमदन से ज़ायद जो केस था उस हवाले से भी जनाब हमज़ा शहबाज ने लिख दिया कि जनाब मुझे तो मुस्तकिल जो है गैर हाज़िरी जो कह लीजिए जिस असना दिया जाए, क्योंकि मैं अपोजिशन लीडर हूँ पंजाब असम्बली में, पंजाब असम्बली अभी तक कभी नहीं गया जब से बना है। लेकिन कहते मैं पंजाब असम्बली का अपोजिशन लीडर हूँ, आज से उससे नसना दिया जाए, इसलिए कि साफ साफ नज़र आ रहा है उनको कि हमें तो NRO मिल गया है, मुकदमे तुम्हारे हक में ही होंगे, क्योंकि कल बड़ा जो डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि एक नैब का एक जो गवाह था, जो नैब ने ये गवाह पेश, वो वैसे ही मुनहरफ हो गया,
उन्होंने कहा जी मेरे पैसे निकले निकले ज़रूर थे, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि इसमें हमजा ने भेजे या किसी और ने भेजे, वो साफ ही मुकर गया जनाब। ये मामला थे। तो फिर 6 महीने क्या हुकूमत चाहेगी कि मज़ीद 2 साल और ले लिए जाए ताकि बाकी जो छोटे मोटे मामलात हैं, जो मुकदमात हैं, वो भी ख़त्म करवा लीजिए। अवाम का जो दर्द तो इनको नहीं है, महंगाई का मामला कहाँ है इनके पास? महंगाई कम हुई, कहते थे पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, हुआ, इस आगदार भी आ गए तजर्बे का, क्या हुआ जनाब? महंगाई तो बढ़ती जा रही है। आप बाज़ार में कोई चीज़ ख़रीदने चले जाएँ, टमाटर प्याज ये 200 से ऊपर आपको मिलेगा, लेकिन जब 40-50 रुपये हुआ था तो शोर मच रहा था, अब कोई नहीं बोलता, सब खामोश। बहरहाल आज हमारा मौजू तो यही है, आज़ादी मार्च। अब आज़ादी मार्च में अब क्या मामलात होंगे, क्या हिकमत अमली होगी, किस तरह मामलात आगे चलेंगे, और ये अब जिस तरह मैं पहले कहता हूँ सजरत मित्रों, बहुत सारे मामलात जो कि पहले से तय क्योंकि कर लिए गए हैं, इसलिए ये कल शेख रशीद ने भी वही बात की जो मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि इलेक्शन तो बहरहाल मार्च और मई के दरमियान होंगे, मुझे तो नज़र आ रहा है कि होंगे। अब कैसे होंगे, इमरान कैसे ले सकेगा, हुकूमत देने पे कैसे मजबूर हो सकती है, होगी नहीं होगी, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और जैसे जैसे आज खुसूसी तौर पे जैसे ही लॉन्ग मार्च का कोई के अंदर कोई डेवलपमेंट होती है, मैं आपके सामने रखूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।